नमस्कार, मैं विनीता माला। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की कमजोरी के बारे में। नर्वस सिस्टम यानी स्नायु संस्थान। स्नायु संस्थान का काम है शरीर से जुड़ी सभी इमोशंस को मस्तिष्क तक पहुंचाना। जिस समय हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है या उसमें कोई दोष आ जाता है तो पैरालिसिस अटैक जैसी बीमारियां होने लगती है। यदि इस तंत्र में दुर्बलता आती है तो व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे थकान महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चक्कर आना, हार्ट बीट तेज हो जाना और अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा शारीरिक श्रम करना। बहुत ज़्यादा मेंटली एक्टिव रहने से यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त कम होने लगती है। इसके लिए कुछ घरेलू उपाय आजमाएं। इसके लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा नुस्खा जिसे आजमाकर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप लीजिए काली मिर्च, अदरक, पिस्ता, बादाम, किशमिश, इन सबको मिलाकर बराबर मात्रा में पेस्ट बना लें। इसे सुबह और शाम को सेवन करें। इसके अलावा अदरक को छाया में सुखाकर उसकी सौंठ बना लें, या फिर आप बाजार से भी बनी हुई सौंठ ला सकते हैं। उसे बारीक पीस लें, उसमें थोड़ा सा जीरा पीसकर मिला दें। दोनों को शहद में मिलाकर पीने से नर्वस सिस्टम की दुर्बलता से राहत मिलती है। इसके लिए इतना ही। इन नुस्खों को आजमाइए, बहुत ही कारगर नुस्खे हैं और बनाने में भी बहुत आसान। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।